Hello everyone, so this is Priyanka here, and continuing our web series of Plus 2 Business Studies, let's start today's topic, that is importance of organizing. We have done 3 points already in previous video of first part of importance of organizing, and today we will start with 4th point, that is adaptation to change. Haan ji, to adaptation se kya samajh mein aata hai? Adaptation means capability of changing ourselves according to the environmental changes. मतलब हमारी capability या किसी और business enterprise की capability according to the environmental changes change करना. मतलब कोई भी जो environment में changes आते हैं उनके accordingly अपने आप को organize करना. बिकॉज जब भी प्लान्स बनते हैं तो एक पर्टिकुलर एनवायरमेंटल सिनेरियो माइंड में होता है कि ऐसे ऐसी सिचुएशंस होंगी, उनके अकॉर्डिंगली प्लान्स ड्रॉ किए जाते हैं. बट जब एग्जीक्यूशन का टाइम आता है तो समटाइम्स कुछ ऐसा हो जाता है मार्केट में, सारे चेंजेस आ जाते हैं या डिमांड इंक्रीज हो जाती है, डिमांड डिक्रीज हो जाती है, वट एवर, मतलब किसी भी तरह के एनवायरमेंटल चेंजेस आ सकते हैं या आपका कोई कॉम्पिटिटर साथ में आ जाता है. तो उन सब चेंजेस को डील करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है. ठीक है, तो इसको कहते हैं अडेप्टेशन टू चेंज. तो ऑर्गेनाइजिंग का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि अपने आप को एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंगली चेंज करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अदरवाइज जो प्लान्स ड्रॉ हुए हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएंगे अगर कुछ भी एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, क्योंकि प्लान्स तो कुछ और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ड्रॉ किए गए हैं. राइट, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था. और इसको अब आप एग्जाम में कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स को ध्यान में रखोगे. ठीक है, सो ऑर्गेनाइजिंग अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अकोमोडेट अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे जब भी आप केस स्टडी में देखोगे, किसी मतलब किस तरह की भी केस स्टडी हो सकती है उसमें जब आपको लगेगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंगली चेंज कर रही है, तो वहाँ पे आपको हिट हो जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजिंग के इंपॉर्टेंस का पॉइंट है. ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज टू अकोमोडेट अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट. ठीक है, and it also allows the organizational structure to be suitably modified according to the changes in the business environment. ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं केस स्टडी में पढ़ते हुए. फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट स्टेबिलिटी टू स्टे इन द मार्केट. ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ा देती है ऑर्गेनाइजिंग. कैसे? बिकॉज जब ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर लेगी तो डेफिनेटली इट विल रिमेन लॉन्गर इन द मार्केट. सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए. अब आते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, नेक्स्ट फायदा क्या है? इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. मीन्स इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है? ऑर्गेनाइजिंग की क्यों जाती है? ताकि सबको पता हो उनको कौन सा काम करना है, फ्रॉम होम दे हैव टू टेक द वर्क एंड टू होम दे आर रिस्पॉन्सिबल. तो सब अपने अपने काम में बिजी होंगे, अपना अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन नहीं होगा और इश्यूज़ नहीं होंगे एम्प्लॉयज़ के बीच में, बिकॉज दे ऑल नो कि उनका काम क्या है. तो इससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा एटमोसफेयर रहेगा जिसकी वजह से काम जल्दी अचीव होंगे और इफ़ेक्टिवनेस आएगी. ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम में क्या ध्यान में रखना है केस स्टडी में? ठीक है, जो जो पॉइंट आपके फोकस हो रहे होंगे वो ये रहेंगे. ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब एंड द वर्क. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट अवॉइड्स द कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. ठीक है, ये दो पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे और आगे जो ध्यान में रखने हैं वो मैं बता देती हूँ आपको. क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप enables the proper execution of work, which in reverse helps in the proper administration of the organization. Effective administration can be created according to that. ठीक है, तो जब सबको अपना काम पता होगा, working relationships एक दूसरे के साथ employees के अच्छे रहेंगे, तो obviously एक effective administration निकल के बाहर आएगी. right? So ये points आपको ध्यान रखने हैं. and next point is
डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. व्हाट इट मींस? एक तो मैनेजर को डिसीजन लेने होंगे जब भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करेगा कि किसको कौन सा काम देना है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू होम, काम अलॉट करना, तो जिसकी वजह से उसका एक अपना भी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी. लाइक उसको डिसीजन मेकर वो बनेगा, लीडरशिप क्वालिटी उसमें आएगी, अपने सबॉर्डिनेट्स को गाइड करना, तो बहुत सारी चीज़ें वो सीखेगा ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते एक दूसरे को ऑर्गेनाइजेशन में देते हुए, अपने जो सबॉर्डिनेट्स होंगे फिर उनसे रिपोर्ट्स लेना एंड ऑल दैट. सो ये जो है पॉइंट, ये एक ओवरऑल पर्सनैलिटी भी डेवलप करता है किसकी, मैनेजर की, बिकॉज ही बिकम्स रिस्पॉन्सिबल और इनोवेटिव. जब वो ये सब काम कर रहा होगा तो एक क्रिएटिविटी उसमें आएगी कि हाउ द थिंग्स विल गो फॉर एग्जीक्यूशन, उसको सब कुछ सोचना होगा, तो ये इसमें हेल्प करता है. ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स द क्रिएटिविटी अमंगेस्ट द मैनेजर्स एंड द वर्कलोड ऑफ मैनेजर विल बी ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड एज ही विल असाइन द ड्यूटीज टू द सबॉर्डिनेट्स अंडर हिम. ठीक है. एंड नेक्स्ट पॉइंट, इट रिड्यूसिस द टाइम एज the things will done by the subordinates and efforts of managers will be reduced, in which workload of him or manager will be automatically reduced. ठीक है. फिर आपको क्या देखना है, ध्यान में रखना है, it gives the time to the managers to keep a check on the growth or expansion of the organization, because जो काम routine में होने हैं वो तो subordinates कर रहे हैं, but मैनेजर्स अब किस में बिजी हो जाएंगे, वो ग्रोथ की तरफ ध्यान देंगे, प्लानिंग्स, मार्केट स्टडी करना, जो भी काम उनका रहता है, तो इससे उनको टाइम मिलेगा. तो ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो गया तो इससे उनकी अपनी डेवलपमेंट भी हो रही है. राइट. फिर आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी वजह से सबॉर्डिनेट्स में क्या आ रही है, डेलीगेशन. डेलीगेशन आने की वजह से दे नो हाउ टू एक्सप्लोर देम और दे केम टू रियलाइज, दे केम टू नो देयर फुल पोटेंशियल, हाउ much capability they have to explore themselves और काम वो कैसे कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैनेजर की ही ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है, नो, सबॉर्डिनेट की भी होगी. तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, बिकॉज जब हम कोई काम करते हैं, किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो साथ में हमारी भी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, बिकॉज आइडियाज़ लगते हैं, क्रिएटिविटी लगती है, हम अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं. राइट. ठीक है. अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, दैट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. ठीक है. ऑर्गेनाइजिंग की होगी किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑब्वियसली उसकी एक्सपेंशन भी होगी और वो ग्रोथ पे भी ध्यान दे पाएगा. ठीक है. चलो देखते हैं कैसे. ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन द न्यू एक्सपेंशन, न्यू ग्रोथ अबव द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स. वो कैसे? बिकॉज सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइज्ड वे से चल रहा है, तो ऑब्वियसली जो टॉप लेवल्स होंगे उनके पास टाइम होगा एक्सपेंशन के बारे में सोचने के लिए. ठीक है. तो जो एग्जिस्टिंग जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बट जो टॉप लेवल्स होंगे लाइक मैनेजर्स, टॉप एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे विल प्लान फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन. तो ये एक टाइम प्रोवाइड करता है, दे आर फ्री टू डिसाइड फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. फिर उसके बाद आता है, इट अलाउज अ बिजनेस एंटरप्राइज टू ऐड मोर जॉब पोजिशंस, डिपार्टमेंट्स एंड टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस एंटरप्राइज. ठीक है. मोर जॉब्स, मोर डिपार्टमेंट्स, और अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है उसको डाइवर्सिफाई वो कर सकते हैं. ठीक है. तो ये पॉइंट है. थोड़ा सा ये आपको टेक्निकल टर्म्स याद रखनी होंगी जब भी आप केस स्टडी में करोगे, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ये पॉइंट्स तो आपको लर्न करने ही होंगे, ये दिस इज फॉर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. न्यू ज्योग्राफिकल टेरिटरीज कैन बी एडेड टू द ऑर्गेनाइजेशन विच इन बैक हेल्प इन द इंक्रीज ऑफ कस्टमर्स बेस, सेल्स एंड प्रोडक्शन. तो ये सब चीज़ें एक ऑर्गेनाइजिंग से ही आ सकती हैं. ठीक है. तो ये सारे पॉइंट्स हमारे ऑर्गेनाइजिंग के इम्पॉर्टेंस के हो गए, इम्पॉर्टेंस का फ़ायदा. ठीक है. तो ये अब ख़त्म होता है यहाँ पे. तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है. वैसे बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन तो इस पर नहीं आएगा ऑब्वियसली, केस स्टडी में से आपको आइडेंटिफाई करना हो सकता है कि पर्टिकुलर पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि विच इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ identified in the above case study. ठीक है. तो इस तरह का होगा, तो आपको ये ध्यान से करना होगा. ठीक है. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ठीक है. थैंक यू. स्टे ट्यून्ड.